दोस्तों आरबीआई का एक फैसला और भारत में यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर स्टैगफ्लेशन आ सकता है। अब बात करें स्टैगफ्लेशन आता कब है और स्टैगफ्लेशन से आपकी डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है और जिस प्रकार से इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर अगेन चरम सीमा पर पहुंच चुका है यानी कि अगेन बढ़ रहा है, उसको लेकर यहां पर आरबीआई फैसला ले सकता है 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई करने का। और अगर ऐसा होता है तो माना जा रहा है यानी कि आज ही के दिन आई मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर दिसंबर मंथ तक स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन सकती है और स्टैगफ्लेशन आ सकता है। चलिए अब मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि स्टैगफ्लेशन आता कब है। स्टैगफ्लेशन की बात करें तो जब इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है डेफिनेटली इंडिया की भी जो रेपो रेट है जो इन्फ्लेशन से वो तो बढ़ी रहा है और उसको लेकर रेपो रेट को भी कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जा रहा है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट में अभी हम कवर नहीं हो रहे हैं जो कि लो जीडीपी है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के जो हमारे नंबर्स निकल कर आए हैं जीडीपी के वो बहुत ही अच्छे निकल कर आए हैं, लेकिन सेकंड क्वार्टर के नंबर्स कैसे रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो डेफिनेटली इसमें भी इंडिया फिट हो रहा है जिसको लेकर यहां पर एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है स्टैगफ्लेशन का। साथ ही साथ रिसेशन इन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि जो मेजर एक्टिविटीज रहती है उसमें भी अब हमें स्लो डाउन आते हुए देखने को मिल सकता है, और पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लेकर आई है उसका कोई खास बेनिफिट यहां पर देश को कंट्री को मिल नहीं रहा है। तो जब ये सारे केस ये सारे पॉइंट किसी भी एक जगह जाकर फिट हो जाते हैं तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और माना जा रहा है कि इंडिया की सेकंड क्वार्टर की जीडीपी अगेन यहां पर स्लो डाउन में जा सकती है और इसके कारण स्टैगफ्लेशन का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। बात करें कि इस केस में आपको स्टॉक मार्केट के अंदर किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। अभी के टाइम पर आपको ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि एसआईपी करनी चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी हाईली रिस्की हो सकता है, इसलिए अगर आप 10,000 का भी निवेश करना चाहते हैं तो उसको पार्टली 10 पार्ट में बांट दीजिए और 1,000 रुपए करके इन्वेस्टमेंट करिए। चलिए अब बात करना चाहेंगे आईटी स्टॉक्स के बारे में। आईटी स्टॉक्स को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी और पिछली वीडियोस में भी कई बार बताया है कि आईटी स्टॉक्स यानी कि इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, हैप्पीएस्ट माइंड, इन कंपनियों को जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 65% रेवेन्यू इनको यूएसए से जनरेट होता है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी इंडियन रुपीस कंटिन्यूसली वीक हो रही है यानी कि एक डॉलर के कंपैरिजन में हमें 81 रुपीस पे करने पड़ रहे हैं। तो जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें हाईली इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर हम हमारी सर्विसेज यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर जा रहे हैं और वहां से हमें डॉलर के रूप में जो करेंसी है वो मिलती है तो वो हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यानी कि आईटी स्टॉक्स जिन्हें 65% का रेवेन्यू यहां पर अमेरिका से जनरेट होता है तो वहां से इनको जो डॉलर मिलते हैं उसकी वैल्यू अब बढ़ चुकी है, जो कि पहले 79 थी और अब बढ़कर 81 पर पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स के लिए ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, पर इसका असर आज के दिन आप आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के रूप में भी देख सकते हैं। आज के दिन पूरा आईटी स्टॉक्स, पूरा आईटी सेक्टर पॉजिटिव था, चाहे हम कोफोर्ज की बात करें, एचसीएल टेक की बात करें, एम्फेसिस, इंफोसिस, एलएनटी, विप्रो, सभी आज के दिन हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में देखने को मिले थे। तो ओवरऑल अगर आपने आईटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अब आपको यहां पर पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जहां पर हमें फ्री फॉल देखने को मिला है। दो बैंकिंग स्टॉक्स को मैं यहां पर कवर कर रहा हूं जिसका नाम है आरबीएल बैंक और एक्सिस बैंक। दोनों ही शेयर्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। आज के दिन आरबीएल बैंक के अंदर हमें फ्री फॉल देखने को मिला यानी कि लगभग 8-9% की बड़ी गिरावट हमें आरबीएल बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर आप ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो यहां पर भी आज के दिन सेल क्वांटिटी बाय क्वांटिटी के अगेंस्ट में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि अभी के टाइम पर स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही क्यों नहीं हो, वहां पर हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो आरबीएल बैंक की बात करें यहां पर भी हमें सेम पैटर्न फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि आज के दिन कंपनी ने एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल अपडेट करी है जिसके अंदर इस
इन्फ्लेशन से बैंक कैसे डील करेगा उसको लेकर यहाँ पर कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने आरबीएल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 100 रुपये का यहाँ पर सपोर्ट आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि शेयर अभी बिल्कुल अपने बॉटम पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शेयर्स ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट को तो ब्रेक कर ही दिया है, 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर शेयर खड़ा है, और अगर यहाँ से गिरावट होती है तो नया लो आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने आरबीएल बैंक के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ये शेयर हमें रिस्की पोजिशंस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। फ्रेश पोजिशंस अभी आप इस शेयर्स के अंदर अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैंक के बारे में, जिसका नाम है एक्सिस बैंक लिमिटेड। आज के दिन एक्सिस बैंक लिमिटेड के अंदर भी 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सिस बैंक से रिलेटेड आज के दिन एक पॉजिटिव न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है, जिसे बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया है, जिसमें सैमसंग फॉरेज इनटू फाइनेंस लॉन्च क्रेडिट कार्ड विद एक्सिस बैंक एंड वीजा। तो यहां पर सैमसंग के साथ में यहां पर एक्सिस बैंक ने एक पार्टनरशिप करी है, काय के लिए, यहां पर फाइनेंस रिलेटेड क्रेडिट कार्ड को इश्यू करने के लिए। तो काफी अच्छी न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है, लगभग 10% का कैशबैक यहां पर रखा गया है, यानी कि अल्टीमेटली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इन दोनों कंपनियों ने पार्टनरशिप करी है। तो यदि एक्सिस बैंक को इसका बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली इसकी शेयर प्राइस के अंदर भी मे बी कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। चलिए बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लाइफलाइन का IPO यहाँ पर आज के दिन स्टार्ट हो चुका है, जिसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। मार्केट की गिरावट का असर अब IPO के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। अगर ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड यानी कि एक फेरामेडिकल्स कंपनी के IPO का स्टेटस देखें तो NII की तरफ से सिर्फ 0.07 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से सिर्फ 0.06 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल आप देखेंगे तो फर्स्ट डे इस IPO को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है। तो क्या आप इस IPO के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बात करते हैं लास्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। आज के दिन बालाजी एमाइंस लिमिटेड के अंदर 4.5% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इस गिरावट के बीच में बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक रिपोर्ट को कवर किया है जो कि बालाजी एमाइंस की तरफ से निकल कर आई है, और न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। देख पाएंगे बालाजी एमाइंस अनाउंस दैट इट हैज कंप्लीटेड फेज 1 ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऑफ यूनिट 4 एंड इट विल फर्दर एड न्यू कैपेसिटी इन फेज 2 ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यूनिट 4। तो यहां पर जो फेज 1 था ग्रीन फील्ड का, वो यहां पर बालाजी एमाइंस ने कंप्लीट कर लिया है, और फेज 2 में यहां पर कदम रख चुकी है कंपनी, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो बालाजी एमाइंस की जो कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो बहुत तेजी से हमें एक्सपांड होते हुए देखने को मिलेगी। तो यदि आपने बालाजी एमाइंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो लॉन्ग टर्म पर्पज से ये शेयर्स भी काफी अच्छा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।